नमस्ते, वेलकम टू डिवाइन टच हीलिंग एकेडमी। सेकंड वीडियो बन रहा है टॉरस राशि, वृषभ राशि, आपका मई 2019 कैसे जाएगा। इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, मन की स्थिति कैसी है और क्या आपकी लाइफ में ब्लॉक है जिसे आपको ओपन करना है विद योर एफर्ट्स। उसके बाद आपके बाहर की परिस्थिति कैसी है, लोग आपको कैसे देख रहे हैं, आप लोगों को कैसे देख रहे हैं, और आपको एडवाइस दिया जाएगा और आपका फ्यूचर प्रेडिक्शन बताया जाएगा इन दिस रीडिंग। आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए, आप हमें नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके पर्सनल रीडिंग्स ऑनलाइन ले सकते हैं। टॉरस राशि का पास्ट देखेंगे, यहाँ कहता है आपने कुछ अच्छा न्यू जॉब पास्ट में स्टार्ट किया है या न्यू बिजनेस ज्वाइन किया है, और पास में आपने रिलेशनशिप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है। हेल्थ के लिए कुछ अच्छा स्टार्ट किया है और स्पिरिचुअलिटी के लिए भी कुछ अच्छा स्टार्ट किया है। सो पास्ट आपका पूरा एफर्ट जो था वो करियर के ऊपर था। प्रेजेंट दिखाता है कि यू आर वेरी वेरी इमोशनल एंड यू आर वेरी मच टुवर्ड्स योर रिलेशनशिप नाउ। आपको मदर से भी शायद प्रेशराइज किया जा रहा है, अगर आप अनमैरिड हैं तो मैरिज के लिए आपको प्रेशराइज किया जा रहा है, और अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी आप कुछ ऐसे चीजें करना चाहते हैं जहां इमोशनली इमोशनल आपको हैप्पीनेस मिलेगा। और अगर आप मैरिड हैं तो मे बी यू विल प्लान टू गो फॉर द फैमिली नाउ। और इनसाइड अंदर की स्थिति बताता है कि यू नीड समबडी विथ यू, कोई ना कोई फैमिली मेम्बर आपको आपके साथ चाहिए और आप इमोशनली अपने आप को खुश रखना चाहते हैं। आप एक अच्छा पार्टनर ढूंढ रहे हैं आपके बिजनेस के लिए, आपके करियर के लिए, और आपको वो पार्टनर मिल नहीं रहा है। और बाहर आपको लोग बहुत कंटेंटेड समझ रहे हैं, उनको ऐसे लग रहा है कि आप बहुत ही खुश हैं, और आप भी लोगों को टाइम दे रहे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं, उनको एडवाइसेस दे रहे हैं। सो यू आर अवेलेबल फॉर पीपल फॉर योर सोशल लाइफ, आपने बहुत अच्छा सोशल लाइफ बना के रखा हुआ है और बहुत ही ऑप्टिमिज्म आप बने हुए हैं आपके इसमें प्रेजेंट मई मंथ के लिए, सॉरी। और आपको एडवाइस दिया जाता है कि कोई भी डिसीशन इमीडिएट नहीं लें और पहले पूरी चीज को स्टडी कर लें और उसके बाद आप कोई रिलेशन लें। फ्यूचर आपका फ्यूचर आपका बहुत ही अच्छा है करियर को लेकर, बहुत ही न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके पास आने वाले हैं, काफी लोगों का आपको सपोर्ट मिलने वाला है, और आपका बिजनेस मे बी यू नो लॉन्ग डिस्टेंस तक स्प्रेड होने वाला है। सो वेरी पॉजिटिव कार्ड, मई मंथ में कोई न कोई हेल्प आपको मिलने वाली है। यहाँ दिखाता है कि पास्ट में यू आर डेस्परेट टू गेट सम इमोशनल सपोर्ट जो आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन आपको मई मंथ में वो इमोशनल सपोर्ट और बिजनेस के लिए सपोर्ट आपको मिलने वाला है। आप पास्ट में अपने आप को बैलेंस नहीं रख पा रहे थे अपने हेल्थ के लिए, इन मई मंथ इट्स पॉसिबल आप काफी अच्छी तरह से अपने लाइफ को बैलेंस करेंगे। आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए भी दिखाता है कि मे बी आपके स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के लिए टाइम नहीं निकाल सक रहे थे मे बी टिल अप्रैल एंड, बट मई मंथ बहुत सारे सरप्राइजेस आएंगे आपकी लाइफ में, आप टाइम निकालेंगे और बहुत सारे स्पिरिचुअल फंक्शंस आप अटेंड करेंगे, मे बी रिलीजियस प्लेसेस पे आप घूमने जाएंगे और मे बी आप कुछ स्पिरिचुअल मास्टर्स को मिलेंगे एंड यू विल बी कंटेंटेड। बेसिकली आपका पूरा मई मंथ बहुत ही अच्छा जाने वाला है। देन जो मैरिड कपल्स हैं उनके घर में एक गुड न्यूज भी आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि प्रेगनेंसी कार्ड आया है, तो इफ यू आर प्लानिंग टू गो फॉर द फैमिली तो कार्ड्स में बेबी भी दिखाता है। और किसी भी अगर चीजें देर से हो रही हैं तो इरिटेट नहीं होना है, आपको एफर्ट्स डालना है, रिजल्ट जरूर आएगा। थैंक यू।